दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डीके न्यूज में। दोस्तों नोएडा में आज दोपहर में 93A में जो सुपर टेक का ट्विन टावर है उसको गिराया जाएगा। इन दो टावरों का नाम सियान और एपेक्स है। यह भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक है। बिल्डिंग गिराने की तैयारी जोर शोर से जारी है। डायनामाइट बिछाने का काम पूरा हो चुका है। 7.5 लाख स्क्वायर फीट के बिल्डिंग एरिया में फैले इस ट्विन टावर की निर्माण लागत करीब करीब 70 करोड़ रुपये है। इसे तैयार करने में 933 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का खर्चा आया था। दोस्तों अब इस बिल्डिंग को गिराने की लागत करीब 267 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आ रही है। यह कॉस्ट करीब 20 करोड़ रुपये के आसपास होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये टावर करीब 103 मीटर ऊंचा है और दूसरा टावर 97 मीटर ऊंचा है। इन दो टावर को गिराने के लिए सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। पहले यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँचा, उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। दोनों अदालतों ने इस टावर को गिराने का आदेश दिया। भारत के रियल एस्टेट इतिहास में यह मामला दर्ज किया जाएगा। दोस्तों यह घटना इतिहास में इसलिए दर्ज होगी क्योंकि एक बहुत बड़े बिल्डर के खिलाफ सोसाइटी के आम लोगों ने लड़ाई लड़ी और 11 साल बाद उनको जीत मिली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टावर को गिराने में जो करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी उसमें 5 करोड़ रुपए सुपर टेक की तरफ से दिया जाएगा। इसका मलबा करीब करीब 55,000 टन के करीब होगा, जिसमें 4,000 टन स्टील होगा। इसे बेचकर बाकी का फंड हासिल किया जाएगा। सुपर टेक को 180 करोड़ सूद समेत वापस करने हैं। ये कोर्ट का आदेश है कि इन्हें ब्याज समेत 12% ब्याज ईयरली सारे जिन लोगों ने वो टावर में फ्लैट खरीदे थे उनको वापस करने हैं। एपेक्स टावर 32 फ्लोर का है और सियान टावर 29 फ्लोर का है। इन दोनों टावर में 915 फ्लैट हैं। इनमें से 633 फ्लैट बिक चुके हैं। कंपनी ने इन फ्लैट्स बायर को 180 करोड़ की वसूली की है। अब सुपरटेक को 12% की दर से इन बायर्स को पैसे लौटाने होंगे। रियल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि इन टावर में 3BHK फ्लैट की कीमत 1.15 करोड़ के करीब थी। ऐसे में सुपरटेक को इस प्रोजेक्ट से करीब करीब 1200 करोड़ आने की उम्मीद थी। हालांकि निर्माण लागत केवल 70 करोड़ की थी। अब दोस्तों आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं कि आखिर ये टावर गिराया क्यों जा रहा है। दरअसल यह मामला पर्यावरण से जुड़ा है। एमराल्ड सोसाइटी में जिस जगह पर इस टावर का निर्माण किया गया है वह पहले ग्रीन जोन था। उस सोसाइटी में घर खरीदने वालों को भी यही बताया गया था कि यह ग्रीन जोन है। इस सोसाइटी में 660 परिवार रहते हैं। इन्हें धोखा देकर टावर का निर्माण काम शुरू किया गया। पहली बात कि इसका निर्माण धोखे से किया गया। दूसरी बात, तमाम नियमों को ताक पर रखकर इसका निर्माण कराया गया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। टावर निर्माण के कारण सोसाइटी में रहने वाले अन्य परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2009 में सोसाइटी के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर बिल्डर के खिलाफ लड़ाई करने की ठानी और 2010 में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की मदद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टावर को गिराने का आदेश दिया। बाद में सुपरटेक ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यहां भी आम लोगों की ही जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने टावर को गिराने का निर्देश जारी किया। तो दोस्तों ये टावर आज 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा और 9 मिनट में ये ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों इस टावर को गिराने के बाद यहाँ पर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी, जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर एक धूल का गुबार उड़ेगा। मलबा तो इधर उधर नहीं जाएगा लेकिन धूल का गुबार हो सकता है 2-3 महीने तक रहे, और उसके बाद में मलबा भी शिफ्ट किया जाएगा, उस टाइम पे भी धूल यहाँ पे काफ़ी उड़ेगी, तो आसपास के रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। बाकी दोस्तों इस ट्विन टावर के ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।